राजस्थान की राजधानी जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा या इबादत करना मात्र अध्यात्म नहीं है। उसका मानना है कि वास्तविक अध्यात्म मन की विशालता से आता है और जब मन बड़ा होगा तब जीवन में कष्ट भी कम होंगे। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि भारत हमेशा से एक ज्ञान आधारित समाज रहा है और आज भी यही स्थिति है। उन्होंने यह भी बताया कि दर्शन शास्त्र गणित विज्ञान वास्तुकला नृत्य संगीत और मार्शल आर्ट जैसी विधाओं पर प्राचीन शिक्षा प्रणाली में विशेष ध्यान दिया गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा प्रणाली और अन्य बाहरी कारणों से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का महत्व दुनिया के सामने नहीं आ पाया। हालांकि गणित और विज्ञान पर उतना ही ध्यान दिया गया था जितना कि अन्य विधाओं पर। राजनाथ सिंह ने बताया कि हो सकता है कि कुछ लोग अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर दिखाने के लिए हमारी प्रणाली को कमतर दिखाते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ध्यान केवल दर्शन शास्त्र और अध्यात्म पर ही नहीं था बल्कि विज्ञान और गणित पर भी विशेष जोर दिया गया था। जयपुर में एक सैनिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर दिए गए इस बयान में रक्षा मंत्री ने राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को भी सराहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान न केवल वीरता के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी अनोखी संस्कृति भी भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। उन्होंने भी इस मौके पर राजनाथ सिंह के विचारों पर समर्थन किया और राजस्थान की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने अंत में कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली दुनिया के किसी भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कम नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने गणित विज्ञान खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में योगदान दिया है, वह अद्वितीय है। इसलिए कभी कभी मंदिर और मस्जिद में जाकर इबादत करना, दर्शन करना, पूजा करना, इसी को लोग अध्यात्म मानते हैं। सच्चाई है कि यह अध्यात्म नहीं है। दर्शन शास्त्र हो, गणित हो, आर्किटेक्चर हो, मेडिकल साइंस हो, नृत्य संगीत हो, मार्शल आर्ट हो या फिर अन्य कोई विधा हो, उन सब पर भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में साथियों विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ कारणों से जैसे मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धति हो या फिर कुछ अन्य कारणों से यह बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान मैथ्स तथा साइंसेस पर भी उतना ही था। एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुपीरियर दिखाना था तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था को इन्फीरियर दिखाना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ दर्शन और अध्यात्म पर था, बल्कि हमारा ध्यान तो गणित के ऊपर था, हमारा ध्यान विज्ञान के ऊपर था, हमारा ध्यान एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पर भी था, हमारा ध्यान तो ज्योग्राफी पर भी था, इन सारे विषयों पर था। साथियों, मेरे कहने का अर्थ है कि हम हमेशा से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहे हैं और आज भी हमारा भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है।